मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है 10 जुलाई और अभी सुबह का टाइम है, 11:30 हो रहे हैं। और कल का कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ कुछ चीजें बैठे बैठे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं रेस्ट में हूँ। सच बात है, फीवर हो गया था मुझे, और आपको तो पता ही है कि फीवर होने के बाद मन नहीं करता किसी चीज का, और वीडियो तो बहुत लंबी चीज है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ, अपने बच्चों की पुरानी छोटी छोटी, मतलब जब बहुत छोटे थे तब की कुछ पिक है। तो चलिए आज आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये है युग, जो सबसे पहली पिक इसकी है। जब ये हुआ था उस समय की ये पिक है, मतलब 10 मिनट इसको कह सकते हैं, तब का है ये। एकदम छोटा सा सुंदर, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले, मतलब नए कपड़े में नहीं डालते हैं बच्चों को, तो ये एक सबसे पहली पिक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और दूसरी ये भी हॉस्पिटल की ही है, लेकिन ये 2-3 दिन बाद की पिक है इसकी, युग की। और ये है, ये भी ये हॉस्पिटल की ही पिक है इसकी। अब आ जाते हैं थोड़े से बड़े हो जाने पे, तो ये है 2-3 महीने का जब युग था तब की पिक है ये। और बहुत ही क्यूट था, क्यूटी पाई जैसा, बिल्कुल गोलू मोलू जैसा, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इनको, मैंने कहा ना आप लोगों से, गोलू मोलू था, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। देखिए आप कितना क्यूटी पाई है, आज भी वैसे ही है लेकिन ये। और ये पिक है इसकी, और ये पिक है भाभी की दोनों बेटियां, एक गौरी है ये गंगा है। गंगा भी देख सकते हैं आप कितनी क्यूटी पाई है, एकदम गोलू मोलू, लेकिन आज दोनों में एकदम, मतलब 36 के आंकड़े जिसको बोल सकते हैं रहता है झगड़े में। और ये है पिक जिस दिन हम लोग 6 महीने पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, अन्नप्राशन हमारे यहाँ बोलते हैं, उस दिन की पिक है। इनके बड़े पापा ये ड्रेस इनके लिए लेकर आए थे, तो ये पहना हुआ है, उस दिन का है पिक। ये भी उसी दिन की पिक है इसकी। और ये तो बस माँ की कुछ आदतें होती हैं। मुझे शुरू से बहुत शौक था कि बेटी हो, पर बेटा हुआ, लेकिन मैंने हर शौक युग पे पूरी की है, टीका लगा के, कान का मतलब पहना के, उसे माला पहना के, कहते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। और ये है युग की ही पिक है ये, जब मैं मायके गई थी फर्स्ट टाइम युग को लेके, तब का है ये। और यहाँ पे देखिए, और ये सब पता है मोबाइल से मैंने ली हुई थी पिक, तो बहुत पुरानी है, करीब 10-12 साल पहले की पिक है ये सब। एक ये पिक है, आप सब बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को। और ये देखिए, कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़का है, दूर से कोई नहीं कह सकता इसे कि ये लड़का है। उस समय की ये मेरी पिक है युग के साथ। और यहाँ पे देखिए, हम दोनों बहनें, ये मेरी बड़ी दी है बित्तू उनका नाम है, और ये मैं हूँ, और ये इसका बेटा है, और दोनों साथ साथ एक ही जैसे 90 में, मतलब ये सब पल बहुत यादगार रहे हैं। और ये मेरे मायके का पिक है, और इसमें एक पिक हमारी भी दिख गई, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए थे तब का है ये। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पिक्स हैं जो कि मतलब हॉस्पिटल के ही हैं, ये तो हॉस्पिटल के नहीं है, 11 दिन पे हमारे यहाँ होता है कुछ फंक्शंस, तो उस दिन का ये पिक है। और ये है भाभी की बेटी जो बड़ी वाली है, उसका फर्स्ट बर्थडे का ये पिक है। ये मेरी सासू माँ है और ये मैं हूँ, और यहाँ पे भी ये एक पिक है। और ये भी है, देख लीजिए, ये जो है ये खिलौना, ये इसके बाबा इसके लिए लेकर आए थे। और यहाँ पे एक पिक है जो कि ये अन्नप्राशन के दिन का ही पिक है। और यहाँ पे मेरी जेठानी और जेठ जी हैं जो कि इसे लेकर और पूजा कर रहे हैं, शुरू से ही लाडला रहा है सबका। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ, यहाँ पे मेरी बड़ी सासू माँ है, ये मेरी सासू माँ है, ये सब भी मेरी सासू माँ ही है, और ये मेरी ननद की बेटी है खुशबू। और यहाँ पे मैंने एक दिन उसे फ्रॉक पहना दिया था, अभी वो हालांकि ये सब देखता है तो बहुत चिढ़ता है कि मम्मी क्यों बनाई ऐसे मुझे, लेकिन क्या करे, मन है। तो यहाँ पे बिंदी बिंदी मैं सब उसको लगा चुकी थी, और यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक छोटी से डॉल की तरह दिख रहा है, बस बाल नहीं है इसके।
ये तो मतलब टोटली लग ही रहा है कि लड़की है बिल्कुल. और मैं पता है अक्सर ऐसा ड्रेस इसको पहनाती थी जिसमें ये लड़की जैसा दिखे. और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक पिक है जो हमारे पुराने घर के सुबह में सो के उठा था तो ये इतनी स्माइल कर रहा था, तो मैंने लगा दिया टीका और बना दी पगड़ी, बोले कि चल बेटा आ जा जा तिवारी जी बनी जा. तो यहाँ पे देखिए आप कितनी क्यूटी पाई जैसी इसकी स्माइल आई हुई है. और ये एक बस नॉर्मल सी जो भी पिक है उस समय की है. और ये है युग तिवारी, युग घर का नाम है इसका. तो यहाँ पे एंड करते हैं इसकी पिक, और कुछ पिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और यहाँ पे ये मेरा भाई है पीयूष जो ब्लैक टी शर्ट में है, ये पीयूष है. और ये दीदी का बेटा है पूसू, और ये मेरा बेटा है. तीनों हम लोग जब मायके गए थे तब का है. मैं आप लोगों को जो जितनी पिक शेयर कर रही हूँ अपने मायके वालों के, मतलब जहाँ पे है मतलब मायके की तरफ की ही पिक ज्यादातर रहेगी इसमें आप लोगों को दिखेगी. और यहाँ पे मैं हूँ, और ये मेरी दीदी का बेटा है, और ये है मेरी बड़ी दी जिनको अभी आप लोगों से मैंने मिलाया ये, और ये है मेरी छोटी बहन सोना, और ये है मेरी कजन सिस्टर डॉली जिसका नाम है. तो हम लोग चारों एक साथ बड़े हुए हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मस्ती भरे पिक. और यहाँ पे इतने हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, पिक लेने में मतलब वो थे परेशान कि बच्चे रो रहे हैं तो रोते जाए, लेकिन आज पिक लेना ही लेना है, बस उस टाइप की कुछ सिस्टम थी यहाँ पे. और ये है मेरे पापा, और ये है मेरी बुआ जो कि राखी का है, हालांकि पापा तो अब नहीं रहे हमारे बीच. तो यहाँ पे कुछ यादें जो कि बहुत ही मतलब अच्छी दिख गई. और ये है युग, इसकी दूसरी होली जो हमारे मतलब हम पुराने घर पे रहते थे तब की है. और हम लोग जब गए थे वैष्णो देवी तब का ये पिक है युग की. और ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है गया तब की कुछ तस्वीरें हैं, नहीं याद नहीं है मुझे कि कब की है, शायद 2-3 साल हो चुके होंगे उसके हुए, तो उसके बाद की ये सब पिक है. और ये है छोटी बहन सोना, और ये तो बहुत यादगार पिक है बहुत ज्यादा. तो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, दरअसल हुआ ऐसे कि मैं राखी में गई थी बक्सर, तो वहां पे मैंने मतलब राखी के नेक्स्ट डे पापा ने कहा कि तुम्हारी इसके साथ कोई पिक नहीं है, तो चलो अभी इसको मैं तुम राखी करो और मैं पिक लेता हूँ. तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सुबह सुबह अभी हम लोग चाय भी नहीं लिए थे तब की ये पिक है. और मतलब ये पीयूष है मेरा भाई, अभी तो काफी बड़ा हो चुका है, ये बहुत पहले की पिक है. तो मतलब कुछ कुछ चीजें हमेशा यादगार बनी रहती है. और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आप मतलब पिक देखने से आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कितने शैतान बच्चे थे. तो यहाँ पे चारों बहनों की पिक है हमारी. और ये है मेरी जेठानी जो कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग छठ किए थे साथ में तब का है, ऐसे हम लोग को सिंदूर लगाया जाता है. और यहाँ पे हम लोग जब घूमने गए थे बक्सर में तो वहाँ पे सारे बच्चे और मेरी बहन छोटी. और ये है डॉली, और ये है वरुण, राखी के समय का पिक है. और यहाँ आ जाते हैं भाभी की दोनों बेटियाँ, ये है गंगा और ये है गौरी, और युग जिसकी दांत अभी देख सकते हैं आप, सेटअप पूरी खुली हुई है. और ये पिक है जब हमारे घर की, जहाँ से मैं आप लोगों को जिस घर से वीडियो देती हूँ उस घर की भूमि पूजन की पिक है ये. तो ये मेरे सासू माँ और ससुर जी और पंडित जी हैं जो पूजा करवा रहे हैं वो है. और यहाँ पे भाभी की दोनों बेटियाँ हैं. और यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ पे मेरी सासू माँ है, और ये मेरे बड़े ससुर जी की फैमिली से हैं लोग. ये भी मेरी बेटी है, और ये युग है, और गंगा है, गौरी है, और ये छोटी है जिसका नाम है. ये है राखी के पिक, काफी साल पुरानी पिक है ये तो. और यहाँ पे मेरे सारे भाई बहन हैं आप देख सकते हैं. और यहाँ पे मेरी जेठानी और मैं, जिसको मतलब मेरे साथ जो भाभी रहती हैं वो भाभी और मैं. और ये पिक तो आप लोगों ने पहले भी देखी है, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है. मम्मी है, पीयूष है, मैं हूँ, और सोना नहीं है यहाँ पे. और ये युग की फर्स्ट राखी है, और गंगा से देख सकते हैं आप कैसे राखी पे एकदम भिड़ी हुई है, कैसे बांध रहा ही बांध रहा है. और युग को बस कोई मतलब नहीं है, बस अभी मिल गया ना राखी, बस खुश है.
तो इस राखी पे बस भाई बहनों की राखी वाली पिक जाने वाली है अब तक। पिक्चर तो बहुत ज्यादा था और आपको तो पता ही है कि एल्बम खोल के बैठने पे पूरी दिन निकल जाती है, तो वैसे भी तो आज मेरा रेस्ट था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग नहीं कुछ और ही दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है और खुद भी देखना हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो अगर मेरा पिक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आगे मत पढ़ते जाइए बिना शेयर किए और बिना कमेंट और बिना लाइक के। तो प्लीज आप रुक के लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।